सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेटामॉन लेजेंड्स ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है, मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। तो बात करें गेम के साइज़ की, तो 500 MB के आसपास गेम का साइज़ है। और यहाँ पर आप इरर पढ़ लेना क्योंकि ये एक ऑनलाइन गेम है। पर चलो मैं गेम प्ले दिखाऊंगा। तो अपना मोबाइल डेटा ऑन कर लेता हूँ एंड रिट्राई पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि बात करें अगर हम इस गेम की, तो पोस्टर आप देखकर समझ ही चुके होंगे कि ये जो गेम है ना पोकेमोन का ही गेम है, बट ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल तरीके से है। एंड इसकी वजह से बहुत कम लोग जानते भी होंगे इस गेम के बारे में। ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि इस टाइप के गेम बहुत सारे आते रहते हैं प्ले स्टोर पर। पर मुझे ये वाला इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने बोला चलो इसके बारे में वीडियो बना देता हूँ। यहाँ पर मैं गूगल से लॉगिन हो जाता हूँ। होने के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत गेम प्ले दिखाऊँगा। तो स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ मैं। एंड यहाँ जो है ना, ये मतलब ये गेम टिक जाता है कि नहीं वो तो बात की बात है, पर इस तरीके से आपको इसका गेम प्ले देखने को मिलेगा। एंड इंटरेस्टिंग गेम प्ले है जो आपको एक तरीके से इसके जो स्विच के गेम आते हैं ना निंटेंडो के, निंटेंडो पे वो कौन से गेम्स थे जैसे पोकेमोन अल्ट्रा सन एंड मून, सन एंड मून, उस टाइप की स्टोरी है इसमें। एंड गेम प्ले भी उसी टाइप का है। अभी मुझे साथ चूज़ करना है। यहाँ पर इस तरफ में आपको टास्क देखने को मिलेंगे, ऊपर में यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है ना। तो प्रोफाइल के बाद में इस तरफ में आपको टाउन देखने को मिलेगा। तो ये पहले टाउन है। अरे मैंने तो इतने पोकेमोन के गेम खेले ना कि आपको बताते बताते आप भी थक जाएंगे। ये रीजनल मैप में जहाँ पर अभी हम हैं वो, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर पोकेमोन्स की किस टाइप की वो मिलेगी, तो वहाँ पर पूरा देखने को मिलेगा। तो अपन पैलेट टाउन में यहाँ पर है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन भी है पूरी। उसके बाद में इस तरफ में और क्या है, रिचार्ज का है। एंड नीचे यहाँ पर सब ऑनलाइन चीज़ें इस तरफ में। तो एंड नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्वेंट्री आपको देखने को मिलेगी। बट अभी हमको ना पोकेमोन चूज़ करना पड़ेगा, तो पोकेमोन हम चूज़ करते हैं, पिकाचू होता तो मैं उसी को लेता, बट यहाँ पर नहीं है। तो अपन लेंगे चार्मेंडर को, है ना। एंड चार्मेंडर को लेने के बाद में अब एक तो फास्ट पेस में ये गेम चलता है ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी क्योंकि यहाँ पर ना मज़ा भी आता है फिर फास्ट फेस में खेलने में। क्योंकि देखो अगर अपन सीधे ऑब्जेक्टिव पे कर देंगे ना तो क्या होगा कि अपने आप ही वो जाकर ढूंढ लेगा। एंड इस तरफ में हमको जो है ना शायद इस बार एक पोकेमोन से लड़ना है और पकड़ना भी होगा। यहाँ रटाटा ही हर साल मिलता है, हर साल मतलब हर बार मिलता है। यहाँ पर स्क्रैच देंगे और एक गाउल मारेंगे तो ये स्क्रैच में ख़त्म हो गया। चलो कोई मतलब नहीं है, सेंस ही नहीं बना। एंड अब इस बार भी शायद हमको पोकेमोन पकड़ना सिखाया जाएगा। हर मतलब जितने भी पोकेमोन गेम्स हैं ना सब में सेम चीज़ें चलती है। यहाँ पर से स्किप मारता हूँ इन सब चीज़ों को तो मैं। एंड अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आई वांट टू बी अ ट्रेनर। तो चलो ये भी देख लेते हैं, आई वांट टू बी अ ट्रेनर। एंड ट्रेनर से लड़ेंगे इस बार अब हम। तो चलो इसको मारते हैं अब हम, बल्बस हो रही हमारे सामने। तो ये तो यूँ हार जाएगा, एम्बर्स ही ख़त्म है। तो इंटरेस्टिंग गेम है यार, मैं खेलने लग जाऊंगा। बाकी अगर आपको भी प्ले करना है तो ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होप कि ये गेम हटे ना प्ले स्टोर से। बाकी आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।